तो हमारा सच में बहुत पोपट हो गया है, क्योंकि क्या हुआ है सौरभ भाई आज हमारे साथ बताओ जरा। हाँ, बहुत धोखा हो गया हमारे साथ। सो हेलो एवरीवन, हमारे साथ है हमारे पुराने मित्र सौरभ सोनू भाई। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। काफी समय बाद आप इनको देख रहे होंगे। आज हम जा रहे हैं लछेर। आज वहाँ क्या है भाई? आज लछेर मेला। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे लछेर मेला की, आखिरकार मेले में कितनी ज्यादा भीड़ है, क्या क्या से आइटम आए हुए हैं, सारी कुछ आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगी ये वीडियो, क्योंकि मेला है तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ चीज़ें होंगी, और वैसे भी लोकेशन काफ़ी अच्छी है वहाँ की। एक बार पहले मैं गया हूँ लछेर। तो इससे पहले गए हो मेले में? ना ना, मैं तो नहीं गया हूँ। आज पहली बार? पहली बार। शुरू करते हैं। चलो फिर। बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लछेर जहाँ मंदिर है वहाँ जाने से काफ़ी समय पहले ही देखिए कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, पीछे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ। दोस्तों आज तो हमारा सच में बहुत पोपट हो गया है, क्योंकि क्या हुआ है सौरभ भाई आज हमारे साथ बताओ जरा। हाँ, बहुत धोखा हो गया हमारे साथ। आप देख सकते हैं बारिश अलग हो गई है और पूरा गाड़ियों का मेला लग चुका है। कहाँ किसने कहीं तिरछी करके डाली है, किसी ने कहीं डाली है, कोई आगे ले जा रहा है, कोई पीछे ले जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हम अच्छे तरह से फंस चुके हैं। अब ऐसे मौसम में पता नहीं गाड़ी कहाँ लगाई, मैंने भी जस्ट किनारे पे बड़े मुश्किल से एडजस्ट की है। अब ये देखो, एक ये भी पीछे को ला रहे हैं, अब कोई गलती किसी की गाड़ी से टकरा ना दे। वो देखो कितनी क्लोज है दोनों गाड़ियाँ। अब ऐसे में कैसे मेला घूमा जाएगा अब हमसे? आज तो बिल्कुल पोपट हो गया हमारा। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ मेले में, बाइक लगाने तक की गर्मी मिल रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लछेर मेले में। ये देखिए यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं, कुछ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सौरभ भाई भी पहली बार आए हैं। खाने के बहुत सारे आइटम हैं यहाँ, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, पूरी पंचोले से लेकर चाउमीन भी सब कुछ मिलेगी, गोल गप्पे भी। मंदिर है ये देख सकते हैं, काफ़ी अलग अलग दुकानें लगी हैं। यहीं से आगे है मंदिर का गेट। ये रहा मंदिर का गेट, यहाँ से अंदर है मंदिर। एक बार पहले भी मैं यहाँ आया हुआ हूँ मंदिर में। ये है मंदिर, मेन मंदिर है जो। और इसके अलावा ये जो मंदिर कदोबी को कार्यक्रम कर रही है, ये म्यूजिशियन है, ये कलाकार है, ये पेंट है। ये रहा माँ काली का दरबार लछेर मंदिर। चुन्नी जलाइए यहाँ पे। अभी ऊपर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे हम। ये है लछेर मंदिर का पार्क। Thank you.
से आ रहे हैं मंदिर का डोला, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। मंदिर का डोला आ रहा है अभी। ये देखो भैया 40 रुपए का ऑर्डर चाउमीन मान, जल्दी जल्दी मशीन वाले चाउमीन है भैया। हाँ के टेस्ट बताओ सौरभ भाई। दोस्तों मेले से तो हम आ चुके हैं लेकिन मौसम ख़राब होने लगा है और जाम भी बहुत ज़्यादा लगा है। लगभग हम 15-20 मिनट से गाड़ी में ही बैठे हुए हैं क्योंकि जाम इतना ज़्यादा है। अभी 3:30 बजने वाले हैं लेकिन मुझे लगता है कि 4 बजे तक या शायद इससे भी ज़्यादा समय लग जाए और जाम खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं क्या है। सौरभ भाई आराम आ रहा है नहीं आ रहा है? मज़े आ रहे हैं एकदम। जाम में आ रहे हैं? मज़े जाम में तो बुरे आ रहे हैं। कैसा रहा फिर आज मेले का सफर? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मैया का डोला? डोला बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों बारिश होने लगी है और अभी तक जाम खुला नहीं है। यहाँ हमारे सौरभ भाई आराम से जाम के मजे ले रहे हैं और जलेबी के भी। एक समय था दोस्तों जब बाइक में मैं भी ऐसे ही भीग जाता था जैसे सामने एक भाई भीग रहा है, और जितने भी बाइक में आए थे यहाँ उन लोगों के लिए तो बड़ी समस्या हुई है क्योंकि सब लोग बारिश में भीग जाएंगे। देखो ये सब लोग कितना दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रखी सबने ताकि भीगे ना करके। दोस्तों जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था कि 4 बजे तक हम फ्री होंगे जाम से, तो ठीक 4:04 है और अभी हम जाम से फ्री हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा जाम लग गया था और सड़क की स्थिति देखिए, एक तो सिंगल रोड है इस वजह से जाम ज़्यादा लग गया क्योंकि आते हुए जाते हुए ऊपर सब गाड़ी वालों ने उल्टी सीधे तरीके से गाड़ी लगा दी थी, इस वजह से जाम काफ़ी लग गया था। लेकिन अब फाइनली हम मेले से फ्री हो चुके हैं, आ चुके हैं, जाम से भी फ्री हो चुके हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये छोटी सी एक वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक बाय बाय, नमस्कार।